तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है क्या? दोस्तों मैं संदीप राजपूत और हाउ टू डू इजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं जो भी नया वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो मैं जैसे ही बोल रहा था कि मैं प्रीस्ट्रेसिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो आज मैं स्ट्रेसिंग के बारे में, थोड़ा बहुत प्रोफाइलिंग के बारे में और थोड़ा बहुत जो ऑर्डिनरी नॉलेज होता है वो उसके बारे में कुछ बता देता हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर दे दूँगा, अगर आपको कोई भी सुझाव हो तो और क्वेश्चन हो कोई भी टेक्निकल रिलेटेड तो आप मेरे को व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं ड्यूटी में रहता हूँ तो मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाऊँगा। SMS करना, मैं SMS के दौरान हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो ये देख पा रहे हैं इसको, आप सोच रहे हैं ये क्या है, ये हमारा लाइव वेजेस है, ठीक है, इसको वेज बोलते हैं। और इसका काम ये है कि जब हम केबल को स्ट्रेस करते हैं ना, इससे वो लॉक होता है, ठीक है। और मैं अभी दिखा देता हूँ आपको ये कैसे लॉक होता है, क्या होता है क्या नहीं। तो आज मैं स्ट्रेसिंग के कंप्लीट गाइड तो नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत प्रोफाइलिंग, स्ट्रेस होने के बाद कैसा होता है, स्ट्रेस नहीं होने से पहले कैसे रहते हैं, ये सब दिखाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बाय। हाँ, तो जैसे कि आप सबको पता था कि मैं बोला था थोड़ी देर पहले कि इसको हम वेज बोलते हैं, ठीक है। ये वाला वेज जो है ना, आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये स्ट्रेस हो चुका है, इसको हम बियरिंग प्लेट बोलते हैं। ये जो अंदर में लगा हुआ है इसको गाइड बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो केबल है हमारा, ये 12.7 mm का केबल है, इसमें 6-7 प्लाई रहता है, ठीक है ना। जो ये जो देख पा रहे हैं ना, 1-2-3, ये 7 प्लाई रहता है यहाँ पे। अभी जब ये स्ट्रेस नहीं किया जाता है तो ऐसे इसको केबल डाला जाता है, इसका जो ग्रिपिंग लेंथ, जो जैक लगने के लिए जो जगह रखा जाता है वो 700 से 750 रखा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी ये देखिए, ये स्ट्रेस हो चुका है, स्ट्रेस होने के बाद कुछ इस तरह से है। और ऊपर में एक आपको होल दिख रहा होगा, ये जो होल है ना, ये ग्राउट करने के लिए होल दिया गया है। और यहाँ पे ये जो जैक देख रहे हैं, ये 1800 mg का मल्टीपुली जैक है, ठीक है ना। और स्ट्रेस होने से पहले ये कुछ इस तरह का नज़र आता है, देखिए यहाँ पे जैसे कि कुछ स्पेस बाकी है साइड में, लेकिन जो स्ट्रेस हो चुका है उसमें कुछ बाकी नहीं है, वो पूरा फिट हो चुका है। अभी इसमें देखिए, और भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए ये जो केबल है ना, केबल को अभी ऐसे डाला जाता है, केबल को ऐसे डालने के बाद हमारे पास ऐसे बियरिंग डालते हैं, बियरिंग डालने के बाद वेजेस जो है ना इसको डाल दिया जाता है, इसके बाद हमारा कलर प्लेट डाला जाता है, कलर प्लेट डालने के बाद बियरिंग प्लेट डालते हैं, फिर जैक को शिफ्ट करते हैं, जैक का पीछे हम पुलिंग प्लेट लगाते हैं, फिर स्ट्रेस किया जाता है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये जो ऊपर में PVC पाइप डाला गया है, ये PVC पाइप इसलिए हमने डाले हैं कि हमारा जो कूलिंग प्लेट है उसको ठीक से लगाया जा सके।